कंटिन्यू विद द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। लास्ट वीडियो में हमने कुछ बेसिक मिसब्रांडेड स्पोरियस एडल्ट्रेशन रिगार्डिंग टर्म्स का डिस्क्रिप्शन पढ़ा था। सो आज हम बात करेंगे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट क्या होता है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की क्यों जरूरत पड़ी, फिर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बिना ही क्या ड्रग्स का मेंटेन कर सकते थे, फार्मेसी एक्ट चल सकते थे, तो गवर्नमेंट को क्यों जरूरत पड़ी भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की। सो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल 1940 में ब्रिटिश टाइम से ही गवर्नमेंट ने मेडिसिन के प्रति स्ट्रिक्टनेस के लिए 1940 में डिजाइन किया था। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के कुछ मॉड्यूल्स जो अपन पढ़ेंगे, जिनका मोटा मोटा डिस्क्रिप्शन ये रहेगा कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की रिक्वायरमेंट क्या रही थी, इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, इसका क्या फंक्शन है, फिर रिक्वायरमेंट क्यों आई, दवा बना रहे हैं बेच रहे हैं ठीक है, लेकिन क्यों बनाने की जरूरत पड़ी, क्यों रूल्स रेगुलेशन की जरूरत पड़ी, इसका क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का फंक्शंस क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को किस तरह से डिजाइन किया गया, इसके क्या कंपोनेंट्स हैं, इसका क्या सेटअप है, और थर्ड में अपन पढ़ेंगे अमेंडमेंट इन द एक्ट, इस एक्ट में कितने अमेंडमेंट्स किए गए, जो 1960 से 2015 तक जितने सारे अमेंडमेंट थे वो सारे अपन इसमें पढ़ेंगे। फिर आजकल एक ई फार्मेसी चल रहा है, ई फार्मेसी का घटक चल रहा है, सो ऑनलाइन सेल ऑफ मेडिसिन, इसमें अमेंडमेंट में ऑनलाइन सेल ऑफ मेडिसिन भी इंक्लूड है, तो ई फार्मेसी को भी कैप्चर करेंगे। सो लेट मी विल बी डिस्कस अबाउट वन बाय वन इन दिस टॉपिक। गाइज, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की जो अपन भी बात कर रहे थे, इसके मॉड्यूल्स क्या है, एक्ट क्या है, क्यों बनाया, बनाने की रिक्वायरमेंट बढ़ी, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, इसमें शेड्यूल ऑफ एक्ट में क्या है, फर्स्ट शेड्यूल जिसमें कि आयुर्वेदिक सिद्ध और यूनानी के बारे में बुक्स का डिस्क्रिप्शन दे रखा है। सेकंड जो शेड्यूल है उसमें इम्पोर्टेड ऑफ न्यू ड्रग्स मैन्युफैक्चर एंड सेल स्टॉक एंड एक्सिबिटेड फॉर सेल सोल्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये दो एक्ट है दैट इज द बेस्ड ऑन ड्रग एंड कॉस्मेटिक और फुली बेस्ड ऑन दीज टू। सो कुछ इसमें अपेंडिक्स भी रहते हैं, अपेंडिक्स का क्या रोल होता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। क्यों इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, आपका है ना, आपको कोई नई ड्रग आ गई है भाई, कोविड चल रहा है, कोविड की नई ड्रग आ गई, वैक्सीन आ गया, तो वैक्सीन और ये सब आ गए हैं आपके पास में, लेकिन वैक्सीन को आपने लगाने के लिए सरकार को बोल दिया कि भाई आप हमें लगाने दो, ऐसा क्या किसी ने बोला है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि आप लोगों को डाटा की जरूरत थी सरकार से, रेगुलेटरी अथॉरिटी से, रेगुलेटरी अथॉरिटी ने आपको जो जो डाटा दिए, मैन्युफैक्चर को परमिशन दी, तो ये फॉर्म अप्लाई हुआ न्यू ड्रग बनाने के लिए जो परमिशन रहती है। फिर सेकंड फॉर्म में क्या रहता है, क्लिनिकल ट्रायल्स की रिपोर्ट्स क्या थी, क्लिनिकल ट्रायल्स 100 पेशेंट पे, 300 पे, 1000 पे, इतने पेशेंट पे रहा, उसके बाद में एनिमल टॉक्सिसिटी, भाई एनिमल के साथ में क्या कोई जेनोटॉक्सिसिटी या कितनी मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी रेट रही थी, वो डिस्कशन रहा था। देन फिर उसमें नेक्स्ट अपेंडिक्स फोर्थ में आया था, नंबर ऑफ एनिमल फॉर लॉन्ग टर्म स्टडीज, भाई आपने स्टडी कर लिए लेकिन कुछ कुछ आपने सर्वाइवलिटी रेट और मॉर्बिडिटी या LD50 ED50 इंडेक्स देखने के लिए आप कुछ एनिमल्स को ड्रग्स के साथ रेगुलर रखते हैं कि भाई लॉन्गर सर्वाइवल रेट कितना है और इसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है। जो फिफ्थ रहता है, पेशेंट इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म फॉर CT क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, जैसे कि आपने ये जिन पेशेंट को सन फार्मा की फेबिपिराविर ली थी उन्हें PIC पेशेंट इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म था कि उसमें पेशेंट को सारी ड्रग्स के एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के बारे में, उसके प्रीवियस डाटा के बारे में, क्या इंजरीज होने वाली है पेशेंट को, क्या बेनिफिट हो सकता है उस ड्रग के रिगार्डिंग, तो पेशेंट इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म में ये सारी डिस्क्रिप्शन रहता है। तो ये बहुत ही अपेंडिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहते हैं इसमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में। और जो सिक्स रहता है, चार ग्रुप का फिक्स डोज कॉम्बिनेशन एंड देयर डाटा, चारों ग्रुप का जो डाटा है उसको क्या रिक्वायरमेंट रहती है, उसमें क्या इंपॉर्टेंस है, वो डिस्कशन के लिए रहता है। सो दिस इज द मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द वी कैन से दैट इज द बेस ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। सो लेट नेक्स्ट अभी अपन अभी ऑब्जेक्टिव
फंक्शन एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनसी एक्ट वो अभी देखते हैं आगे. ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के शेड्यूल्स क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन और सो वो वी विल बी डिस्कस लेटर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दिस द इम्पोर्टेंट पार्ट, शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट. ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के शेड्यूल्स कौन कौन से इम्पोर्टेंट शेड्यूल है, इनका क्या क्या रोल है. तो शेड्यूल ए से लगाकर एक्स तक आपको शेड्यूल है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल शेड्यूल वाई, शेड्यूल वाई गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन फॉर सीटी, दैट इज द इम्पोर्टेंट फॉर द क्लिनिकल ट्रायल्स. एंड शेड्यूल पी, दैट इज द लाइफ पीरियड ऑफ द ड्रग्स. गाइस इस शेड्यूल्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. शेड्यूल्स का लगभग 2 क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम में, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं. तो आपको इस पे बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करना है. और एक एनालिस्ट पोस्ट के लिए आपको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के जो शेड्यूल्स है वो काफी इम्पोर्टेंट है. अगर आपको कोई क्वेरी है कमेंट से या फिर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में. तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे डेफिनेटली. और कुछ होगा तो हम लोग वर्चुअली भी कनेक्ट होकर और डिस्कशन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं. सो हम लोग यहाँ पे थे लाइफ पीरियड ऑफ द ड्रग्स फॉर द शेड्यूल पी. एंड P1, दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट. P1, दैट इज द पी साइज ऑफ द ड्रग, दैट इज द इम्पोर्टेंट शेड्यूल पी फॉर द लाइफ पीरियड ऑफ द ड्रग्स एंड P1 फॉर पेक साइज ऑफ द ड्रग्स. एंड शेड्यूल ए, भाई कोई एप्लीकेशन है, रिन्यूअल करवाना है, कुछ भी करवाना है, काम करोगे तो उसका परफॉर्मा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा ना आपको रिकॉर्ड. तो उसके लिए आपको शेड्यूल ए पे जाना है. फॉर्म वॉर्म कहाँ पे जाएंगे, लाइसेंस के लिए रिन्यूअल करना है, एप्लीकेशन लगानी है, कुछ भी करना है आपको ए वाले से बात कर लीजिए, फॉर्म ए उठा लीजिए आप. फिर स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक शेड्यूल एस, शेड्यूल एस को देखना पड़ेगा. एंड कुछ आपको पैसे भी देने पड़ते हैं ना भाई, सरकार फ्री में काम नहीं करती है. तो उसका रेट्स जो फिक्सेशन होता है वो कहां से होता है, आपको शेड्यूल बी से देखना पड़ेगा कि भाई एनालिस्ट की क्या कॉस्ट रहेगी, पर्टिकुलर फॉर्म की क्या कॉस्ट रहेगी, या कोई इंपोर्ट सेक्शन है वहां की क्या कॉस्ट रहेगी. सो कॉस्ट कटिंग का डिस्कशन अपन फॉर्म बी लेके वहां से करते हैं. फिर आता है शेड्यूल सी. शेड्यूल सी और C1 के बारे में आप सबको पता ही है, भाई फार्मासिस्ट हो तो फार्मासिस्ट को लाइसेंस लेने के लिए कौन कौन से फॉर्म की जरूरत पड़ती है, ये तो आपको डेफिनेटली पता होना ही चाहिए. फिर आते हैं अपन डी. डी थोड़ा भाई कॉम्प्लिकेटेड है. डी ने 4-5 भाई बंधु लगा रखे हैं, अपने फैमिली बना ली इसने पूरा यहाँ के. तो आपको क्या है डी में, क्या डी ड्रग्स एक्सेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ इम्पोर्ट, भाई बाहर से आ रहा है माल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड दैट इज द D1 इंफॉर्मेशन इन अंडरटेकिंग टू बी सबमिटेड बाई द मैन्युफैक्चरर विद द एप्लीकेशन ऑफ ए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. भाई बाहर से इम्पोर्ट ड्रग हो रही है ना तो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा. रजिस्ट्रेशन कौन किस किस को, कौन कौन रजिस्ट्रेशन आपको बनाता है, सीडेस को बनाएगा, लोकल अथॉरिटी बनाएगी आपका. फॉर D2 में इन्फॉर्मेशन टू बी सबमिटेड बाय द मैन्युफैक्चरर विद द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ बल्क ड्रग्स फॉर्मुलेशन स्पेशल प्रोडक्ट फॉर द इम्पोर्ट इन द इंडिया. भारत में आने के लिए आपको D2 वाला फॉर्म की बात आएगी ना भाई. भारत में कोई पूछ लिया, भारत में ड्रग बना रही है कंपनी, तो उसको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, भाई D2 से वो स्पेशल प्रोविजन के लिए आएगा इसमें. ये आपको डी वाली फैमिली थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ये आपको अच्छे से देखना पड़ेगा. आगे अपन शेड्यूल की देखते हैं. तो वो उस शेड्यूल में आपको देखना पड़ेगा. कंटिन्यू विद ड्रग एंड शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट. वही ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन बनाती है तो उसका गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए शेड्यूल टी रहता है. उसमें आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी उसकी सारी जो फॉर्मेलिटीज है, मशीनरीज है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, वो उसको आपको शेड्यूल टी में मिल जाएंगे. फिर यू, जो शेड्यूल यू आता है, यू के दो एक भाई है एक बहन है, यू एंड यू वन. यू वन में क्या पार्टिकुलर टू बी शोन इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रॉ मटेरियल एंड एनालिटिकल ऑफ द रिकॉर्ड्स. सारे ड्रग्स का इसमें यू में रिकॉर्ड रहेगा और पर्टिकुलर फॉर द कॉस्मेटिक में भी U1 में आ जाएगा. एंड वी फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी ऑफ मेडिसिन. एंड एन, भाई एन सारे फार्मासिस्ट हो तो फार्मेसी के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या रहती है, दैट इज शेड्यूल एन. एंड के फॉर एग्जम्पशन फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग्स. सो ये हो गया भाई. शेड्यूल एफ से लास्ट बार जो DCO ड्रग कंट्रोल DCO का जो एग्जाम हुआ था RUHS ने करवाया था, वहां से ये क्वेश्चन जनरेट हुआ था.
ऑप्थेलमिक प्रिपरेशन कौन से शेड्यूल में उसका स्टेनेशन रहता है, ऐसा कोई क्वेश्चन था, तो ये आपको पता होना चाहिए एफ एफ का। तो आपको शेड्यूल एफ के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। शेड्यूल एफ में जो ब्लड ऑपरेशन जो मेंटेन रहता है, शेड्यूल एफ के 12 बी फॉर्म रहता है, उसमें ब्लड बैंक के रिगार्डिंग जो कितने मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कितना स्पेस चाहिए, क्या मेन पावर की रिक्वायरमेंट रहेगी, वो सब कुछ इसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन एफ में रहता है। फिर एफ वन में बात करते हैं तो प्रोविजन फॉर बैक्टीरियल एंड वायरस वैक्सीन रिलेटेड जो प्रिपरेशन रहती है फॉर्मुलेशन उनके बारे में। एफ टू में भाई सर्जिकल ड्रेसिंग आ गया, एंड एफ थ्री में एम्बिलिकल टैप्स। आजकल काफी लोग है ना मैच्योर हो गए, मैच्योर इन द सेंस कि साइंटिफिकली जो गायनेकोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं तो वो एम्बिलिकल टैप्स को अपना प्रिजर्व रखते हैं कि फ्यूचर में अगर उनको बेबी की या कुछ नीड हो गई तो दे कैन प्लान फॉर फर्दर यूजिंग दीज एम्बिलिकल टैप्स। सो दीज आर द एम्बिलिकल टैप्स बैंक्स ऑलरेडी अवेलेबल इन अवर इंडिया एंड स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थेल्मिक, दैट इज द शेड्यूल एफ एफ। सो दीज शेड्यूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड जस्ट इन एवरी एग्जाम्स वी गोट सम क्वेश्चन लाइक एमसीक्यू रिलेटेड क्वेश्चन फॉर शेड्यूल। सो नियर अबाउट 5 मार्क्स ऑफ वी फाइंड क्वेश्चन इन शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स। सो गाइज ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के जो शेड्यूल्स है वो शेड्यूल्स अपन ने पढ़ लिए। अब जो नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में अपन इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की भाई डीटीएबी क्या होता है, डीसीसी क्या होता है, भाई आईसीएमआर का क्या रोल है, पीसीआई का क्या रोल है, तो वो अपन है ना अगले चैप्टर में पढ़िएगा पढ़ते हैं। और अगर कोई क्वेरी है कमेंट से आपका तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कोई आपको ऐसा कुछ डाउट लग रहा है तो हम लोग वर्चुअली कनेक्ट होकर के भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो थैंक यू।